इस फ़ोन में आपको लुक्स एंड हर स्पेसिफिकेशंस बहुत ही तगड़े दिए गए हैं, पर इसमें एक कमी है, वो की है इसका। सो फाइनली गाइस, आप सभी को पता होगा जब से गेमिंग का क्रेज बढ़ता जा रहा है तो हर स्मार्टफोन अपना एक गेमिंग प्रोसेसर के साथ अच्छा फ़ोन लॉन्च करने जा रहा है। तो उसी के साथ मोटो की तरफ से एक और नया फ़ोन आया था जिसका नाम था मोटो एज लाइट 20, एंड इसी के साथ एक और फ़ोन आया था जिसका नाम है मोटो एज 20, जो कि पूरी सीरीज आई थी। इसी के तहत एक और फ़ोन आया था जिसका नाम था मोटो एज 20 प्रो, जो कि मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले डिज़ाइन की बात की जाए तो डिज़ाइन के मामले में मुझे ये बहुत ही तगड़ा लगा। तो डिज़ाइन से स्टार्ट करके बात की जाए इसके कैमरा सेटअप के बारे में, क्योंकि कैमरे में इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल रहा है, एंड 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, एंड सिर्फ 2 मेगापिक्सल का इसका मैक्रो कैमरा दिया गया है। यानी कम से कम यहाँ पर 2 मैक्रो कैमरा की जगह 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देना चाहिए। एंड बात की जाए इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में, तो इसमें आपको 4K से 8K वीडियो रिकॉर्डिंग तक कर सकते हैं, जो कि होगी 30 से 60 एंड 240 FPS तक। एंड बात की जाए इसके फ्रंट कैमरा के बारे में, तो फ्रंट में आपको इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल रहा है। तो फ्रंट में इसमें आपको एक बहुत ही अच्छा कैमरा देखने को मिल रहा है। एंड बात की जाए इसके गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि प्रोसेसर के बारे में, क्योंकि ये फ़ोन खास प्रोसेसर के मामले में अच्छा बनाया जा रहा है, क्योंकि इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 870 5G प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, जो कि स्नैपड्रैगन 888 से थोड़ा ही नीचे रहता है। जिसके अंततु स्कोर की बात की जाए तो उसका अंततु स्कोर रहता है 6,98,063, एंड स्नैपड्रैगन 888 का 7.5 लाख के आसपास रहता है। एंड इसके गेमिंग के मामले में बात की जाए तो इसमें आपको CPU जो कि ऑक्टाकोर देखने को मिलेगा, जो कि आपको होगा 3.2 GHz के साथ, एंड आर्टिटेक्चर इसका रहेगा 64 bit। एंड स्टोरेज की बात की जाए तो ये आपको 10 nanometer पर काम करेगा, एंड 12 GB स्टोरेज आपको इंटरनल रैम देखने को मिलेगा। एंड अब बात की जाए इसके डिस्प्ले के बारे में, तो परफॉर्मेंस के साथ साथ इसमें आपको डिस्प्ले भी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, जो कि होगी सुपर एमोलेड डिस्प्ले, एंड जो कि 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ, एंड इसमें आपको 1000 nits तक ब्राइटनेस देखने को मिल सकती है। इसका मतलब है ये डिस्प्ले के मामले में ये फ़ोन बहुत तगड़ा होने वाला है। एंड अब बात की जाए इसके बैटरी एंड चार्जर के बारे में, तो चार्जर में इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी सपोर्ट देखने को मिल रहा है, पर इसमें आपको एक प्रॉब्लम ये है, सिर्फ इसमें आपको इस प्राइस रेट में, इसका प्राइस है 55 से 60 हज़ार के बीच में, तो इस प्राइस रेट में आपको सिर्फ 30 वाट का फास्ट चार्ज सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यानी यहाँ पर कम से कम 30 वाट की जगह 50 वाट का या 65 वाट का फास्ट चार्ज सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि मार्केट में आजकल बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन आ गए हैं जो कि 120 फास्ट चार्ज सपोर्ट दे रहे हैं सिर्फ 40 से 45 हज़ार के बीच। एंड बात की है इसके एक्सपेक्टेड प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में, तो इसके एक्सपेक्टेड प्राइस रहने वाले हैं 45 से 55 हज़ार के आसपास, एंड इसके लॉन्च डेट की बात की जाए तो इसकी 5 अगस्त को ऑफिशियली लॉन्च डेट आ जाएगी, हो सकता है ये 5 अगस्त को लॉन्च ही हो जाए। एंड सो फाइनली गाइस, ये वीडियो में बताए हुए मेरे पॉइंट कैसे लगे कमेंट में लेना ना भूलें, और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो आपको एंड स्क्रीन पर वीडियो दिख रही है प्लीज़ उन्हें भी सपोर्ट करें, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ही करें।